हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस सेशन में। आज बारी है 45 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फॉर नीट बॉटनी सेक्शन की। शाम को एक बार फिर फाइनल जूलॉजी सेक्शन के ऊपर भी 45 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो 45 क्वेश्चंस अभी बॉटनी के डिस्कशन करेंगे, इसके बाद शाम को फाइनल 45 क्वेश्चन जूलॉजी के डिस्कस करेंगे। यानी कि इस सीरीज के साथ हमने मोर देन 200 क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लिया है जिनके आने की संभावना बहुत अधिक है। मैंने आपको पहले ही कहा कि वी विल बी गोइंग थ्रू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और 45 क्वेश्चंस की ये सीरीज आज कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि कल है आप लोगों का नीट एग्जामिनेशन। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत अच्छे से नीट एग्जामिनेशन को दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, बिल्कुल फ्री माइंड से होकर के जाइए ताकि आप बहुत अच्छा कर सके। किसी तरह का प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में आज फाइनल क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना है, इसके बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो स्वागत है बच्चों आप सभी का इस सेशन में 45 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फॉर नीट 2020। तो वी हैव राइट नाउ नेहा ने ज्वाइन कर लिया है, नितिन ने ज्वाइन कर लिया है, लावण्या हैज कम, बहुत से बच्चे आ चुके हैं। तो चलिए बच्चों, श्रवण ने ज्वाइन कर लिया, यादव, नसीर, विनीता, खुशी, रामकरण, बहुत से बच्चे आ चुके हैं। तो चलिए सेशन को कर देते हैं शुरू। फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने आज पहली बार मेरा सेशन ज्वाइन किया है, माय नेम इज प्रदीप सिंह, माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टॉट, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ये सारी की सारी चीजें हैं सेकेंडरी, आप हैं प्राइमरी। तो मेरे सेशंस को अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी शेयर कर दिया करें #NEETLiveDaily के थ्रू ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में कंट्री के हर एक बच्चे को पता चले। एक और बेहतरीन फीचर, टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करें। आफ्टर इंस्टॉलिंग गो टू द ब्राउजर एंड टाइप livedaily.me/chat। जैसे ही आप इसको टाइप करते हैं आप जुड़ जाते हैं इस टेलीग्राम चैनल के साथ, आपको सारे के सारे अपडेट्स आने लगते हैं अपने सेशन से रिलेटेड। एक और बेहतरीन फीचर livedaily.me/NEET। इस फीचर के थ्रू आप हमारे सारे प्रीवियस लेक्चर्स व्यू कर सकते हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाती है। बात करते हैं बच्चों अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की, जो कि कंट्री का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मिलती हैं स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस, वो भी बेस्ट एजुकेटर्स के थ्रू। यू कैन इंटरेक्ट विद अस लाइव पोल, लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज एनालिसिस और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन जैसे बेहतरीन फीचर यहां पर मिलते हैं। ये रहे हमारे ईयर लॉन्ग बैचेस, तो इन बैचेस के साथ जुड़ें, अपनी तैयारी को और उम्दा करें। राइट, तो करना क्या है, वेरी सिंपल है। प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद ऑप्शन आएगा प्लस का, सिलेक्ट करिए नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन पर। जैसे ही क्लिक करेंगे फिर ये विंडो आ जाएगा। यहां अपनी जरूरत के हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन चूज करिए। 9th, 10th, 11th के बच्चों के लिए 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ही बेहतर रहता है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। यूज करिए कोड प्रदीप लाइव, आपको मेरी गाइडेंस में आपकी मंजिल का सफर तय करने का मौका मिलेगा। 2 ईयर और 1 ईयर के प्राइसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज। तो जिन बच्चों को 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है वो अभी टाइम रहते ले लें। चलिए शुरू कर देते हैं। चित्रा, चित्रेश, नरेश, अक्षता, यशी, भाई क्या बात है, बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं। तरुण आ चुके हैं, मोहित आ चुके हैं, किरण आ चुके हैं, वेरी गुड। नाउ आज के ये जो 45 क्वेश्चंस हैं बॉटनी के, इन क्वेश्चंस को देख करके आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस के आने की संभावना, यानी कि क्वेश्चंस तो मिक्स्ड होंगे, दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ कॉन्सेप्चुअल इजी क्वेश्चंस, डायरेक्ट आंसर वाले, और कुछ कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्ट जिनके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं इसी 45 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज में। ठीक है, तो चलिए शुरू कर दिया जाए। सिंघल, गौतम, निया, रवि, ओके, ये रहा पहला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी इज रेजिस्टेंट टू व्हाइट रस्ट। व्हाइट रस्ट, व्हाइट रस्ट के बारे में आपने सुना हुआ है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी इज रेजिस्टेंट टू व्हाइट रस्ट। लेट मी चेक हु कैन आंसर दिस फर्स्ट। क्वेश्चन स्टार्ट कर चुका हूं, आप आंसर करें क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, आंसर दीजिए फटाफट। नरेश, थैंक यू फॉर द रोजेस। रामकिशोर, गौतम, स्टार्ट हो चुका है भाई, आप तो आंसर करें। आदित्य ने आंसर करने की कोशिश करी है,
एम लुकिंग फॉर द करेक्ट आंसर. हॉबीज ने सबसे पहले करेक्ट आंसर किया है. करण राय, पूसा स्वर्णिम, प्रभानी, कौन कौन से नाम है, प्रभानी, क्रांति, हिमगिरी, पूसा कमल एंड करण राय. तो करण राय इज द राइट आंसर. ध्यान दीजिए इस बात को, करण राय को पूसा स्वर्णिम के नाम से जाना जाता है. ब्रासिका की एक वैरायटी है. इसको प्लांट ब्रीडिंग से बनाया गया है. रेजिस्टेंस अगेंस्ट व्हाइट रस्ट. समझ ही गए होंगे इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटीज इज रेजिस्टेंट टू व्हाइट रस्ट. फिर दिखा देता हूं, बता देता हूं आपको बात. सो द आंसर इज करण राय, जिसको पूसा स्वर्णिम के नाम से भी जाना जाता है. क्लैरिटी आगे देखिए, मैक्सिमम बच्चे गलत आंसर दे रहे थे. करण ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. करण कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, क्योंकि उनके नाम से भी जुड़ा हुआ है करण राय. ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट माइक्रोब्स आर यूज्ड. सीवेज ट्रीटमेंट के कौन से स्टेज में माइक्रोब्स को यूज किया जाता है, ये प्रश्न, इससे मिलते जुलते प्रश्न कई पूछे जा चुके हैं. इसका मतलब है कि इस प्रश्न के या इससे मिलते जुलते ये पूछा जा सकता है किस स्टेज में सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब को यूज किया जाता है, या ये भी पूछा जा सकता है कौन कौन से स्टेजेस में माइक्रोब को नहीं यूज किया जा सकता. तो दोनों आंसर बनते हैं इस क्वेश्चन के. सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स को जो यूज किया जाता है, सबसे पहले आई थिंक स्नेहा ने करेक्ट आंसर दिया है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है. ऐसा ही प्रश्न एक और आ चुका कि कौन से स्टेज में माइक्रोब को नहीं यूज किया जाता. अगर नहीं यूज किया जाने वाला स्टेज पूछे तो प्राइमरी और टर्शियरी आपको बताना है, ठीक है. सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, और यहां पर माइक्रोब्स को यूज किया जाता है. The term niche of a species refers to, एक particular species का जो niche है वो क्या है. What is niche of a species? What does the term niche refers to? इसके बारे में मैं already sessions में चर्चा कर चुका हूं. Niche और habitat मिलते जुलते term है, same नहीं है. Niche और habitat मिलते जुलते term है, लेकिन same नहीं है, ठीक है. I'm watching for each one of you to answer. हसन सिद्दीकी, यस बच्चे बिल्कुल बहुत तेजी के साथ करेंगे. आदित्य, क्या बात है आदित्य, अजय, स्नेहा, सारे के सारे बच्चे लगभग करेक्ट आंसर के साथ है. द स्पेसिफिक प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, यानी कि उसका हैबिटेट एंड द रोल इट प्लेज. एक किसी ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शनल रोल होता है उसके हैबिटेट में, चाहे उसके फूड चेन में हो, मेनली तो फूड चेन का ही इंटरेक्शन होता है, वो फंक्शनल रोल जो है उसी को निश कहा जाता है. एब्सोल्युटली करेक्ट, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है. निश रेफर्स टू द हैबिटेट एंड द फंक्शनल रोल परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इन इट्स हैबिटेट. अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस विद इन अ नेचुरल सिस्टम. इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग नहीं. काफी लोग वाटर हार्वेस्टिंग के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसका भी एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस विद इन अ नेचुरल सिस्टम. लेट मी हैव अ लुक. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट नेचुरल सिस्टम में कौन सा है. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू टू आंसर. आदित्य ने सबसे पहले आंसर किया, आई बिलीव FOAM, फोम, यानी कि फ्रेंड्स ऑफ आर्केटा मार्श. वेरी गुड. तो ये जो है आर्केटा मार्श कैलिफोर्निया में, एक तरह का इन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन ही किया है, साइंटिस्ट की मदद से लोकल्स ने एक एक्सपेरिमेंटेशन किया, जहां वेस्ट वाटर को काफी बड़े इलाके में छोड़ दिया जाता है और वो अपने आप रेप्लेनिश होके रिजर्वॉयर में स्टोर होता है, ग्राउंड वाटर लेवल को भी इंक्रीज कर देता है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिलिएसी फैमिली. यहां पर कौन सा सेट लिलिएसी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक. एक चीज और बता दूं, ये जो हमारी प्लांट फैमिलीज हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से समझ लीजिएगा, इनके कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी. इनके कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है. लिलिएसी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़िए और फटाफट आंसर करिए. जैसे ही पहले बच्चे ने आंसर किया, आई विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन है काफी ज्यादा और वक्त कम है और आपका वक्त कीमती है. मैं वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, मैं आपके टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा. नाम काफी अच्छा है आपका, दिले दास्तान, और आपने क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल करेक्ट किया और पहले ही कर दिया. ट्राइकार्पेलरी ट्राइलोक्यूलर एक्साइल प्लेसेंटेशन विथ एक्टिनोमॉर्फिक,
तो यहां पर यह समझने वाली बात है कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं लिलिएसी में, दैट्स द करेक्ट आंसर। चलिए, इफ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ यंग डाइकॉट स्टेम इज स्टेन्ड विद आयोडीन सॉल्यूशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन विल बी स्टेन्ड डार्क ब्लू। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ यंग डाइकॉट स्टेम को आयोडीन सॉल्यूशन से स्टेन किया गया, इसमें कौन सा एरिया, जो चार ऑप्शंस दिए हुए इनमें से कौन सा एरिया डार्क ब्लू स्टेन होगा। डार्क ब्लू स्टेन का मतलब क्या होता है आप समझ ही सकते हैं कि वहां पर स्टार्च हो सकता है। आयोडीन सॉल्यूशन में अगर डार्क ब्लू कलरेशन आता है तो इसका मतलब है वहां पर स्टार्च का स्टोरेज है। व्हाट इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। लावण्य ने कोशिश जरूर करी है। आदित्य ने, क्या बात है, एंडोडर्मिस वंडरफुल, एंडोडर्मिस इलाके में आपको मिलते हैं स्टार्च ग्रेन्स जिसकी वजह से वो ब्लू कलर हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, यहां पर कौन सा गलत मैच है, विच इज इनकरेक्टली मैच्ड, ऑप्शंस को देख लीजिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चंस करा रहे हैं उसमें जो आंसर है वो तो याद रखना ही है, जो ऑप्शंस हैं उन पर भी ध्यान रखना है, वो ऑप्शंस भी ध्यान रखने हैं। लेट मी हैव अ लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर देकर के आंसर करिएगा। ऑलवेज मेंशन द क्वेश्चन नंबर व्हेन यू आर आंसरिंग, क्वेश्चन नंबर को देकर के ही आंसर करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप करेक्ट कर रहे हैं। अर्चना ने सबसे पहले, वर्षिनी ने भी दिया लेकिन क्वेश्चन नंबर नहीं दिया, अर्चना ने सबसे पहले आंसर करने की कोशिश करी लेकिन करेक्ट आंसर का अभी भी मैं वेट कर रहा हूं। वेरी गुड, सो करेक्ट आंसर आने शुरू हो गए हैं। अभय ने करेक्ट आंसर कर दिया, लैक ए परमिएज नहीं है, वो लैक वाई, लैक ए ट्रांस एसिटाइलेज है। समझ में आई बात? तो ये समझना आपको बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा राइबोसाइम 23S RRNA, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 9, 6, 8 जीन्स, ये सारी की सारी बातें करेक्ट हैं। सो लैक ए इज परमिएज, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि परमिएज के लिए लैक वाई रिस्पॉन्सिबल है। वेरी गुड। RNA polymerase 3 transcribe, RNA polymerase 3 क्या ट्रांसक्राइब करता है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कई बार, एंड नाउ इट इज योर टर्न टू गिव इट अ ट्राई। RNA polymerase 3 transcribe, क्या ट्रांसक्राइब करता है RNA polymerase 3। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ईच वन ऑफ यू टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, आरएनए, देखिए आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, तीन तरह के आरएनए पॉलीमरेज हैं, तो आरएनए पॉलीमरेज आंसर आने शुरू हो गए हैं। मिक्स्ड रिव्यूज हैं, वेरी गुड, यस 5SRRNA, क्या बात है। आरएनए पॉलीमरेज 1 देख लीजिए, आरएनए पॉलीमरेज 1 की लिस्ट है आरआरएनए 28S 18S 5.8S, राइबोसोमल आरएनए मेनली आरआरएनए, लेकिन 5SRRNA जो है वो कौन करता है, वो करता है आरएनए पॉलीमरेज 3। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैविंग अ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है, दे कॉन्स्टिट्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है, फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं, किस चीज के स्ट्रक्चर हैं, इसको मैंने सेशन में ही कराया हुआ है आपको, तो बात करते हैं सेंट्रोसोम, स्पिंडल फाइबर, फ्लैजेला, सिलिया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10, इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, वेरी गुड, बहुत तेजी के साथ आंसर कर रहे हैं। अरित्रो तो दूसरे ही ख्यालों में मग्न है, अरित्रो जो है दूसरे ख्यालों में मग्न है, और अरित्रो मुझे लगता है आप लॉयर बनना चाहते हैं आगे बढ़ के,
बड़े होकर के, है ना। कभी भी किसी भी बात को एक एंगल से नहीं देखना चाहिए। दोनों, हमारे पास दो आंखें हैं, दो आंखों का मतलब यही होता है कि हम किसी भी इमेज को दो तरह से देखते हैं, तब जाकर के एक ओवरलैपिंग इमेज बनती है। कुछ चीजों में आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए, है ना, बिफोर रीचिंग टू एनी कॉन्क्लूजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, क्या काम है लेग हीमोग्लोबिन का? बड़ी तेजी के साथ आंसर हो रहे हैं, लेग हीमोग्लोबिन का मेनली काम क्या है? वेरी गुड, सो देयर कम्स द करेक्ट आंसर। ज्योति प्रीति ने करेक्ट आंसर कर दिया भाई, लेग हीमोग्लोबिन जो है, लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन, इट इज ऑक्सीजन स्कैवेंजर, तो नाइट्रोजिनेज को प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीजन से। हु हैज ड्रॉन द सेम कॉन्क्लूजन ऑन इवोल्यूशन लाइक चार्ल्स डार्विन? चार्ल्स डार्विन की तरह सेम कॉन्क्लूजन किसने अटेन किया है? और इनफैक्ट इनके पेपर चार्ल्स डार्विन के साथ ही प्रेजेंट किए गए थे, इनके पेपर्स जो हैं चार्ल्स डार्विन के पेपर के साथ ही प्रेजेंट किए गए थे। और खास बात ये, ना तो उस पेपर प्रेजेंटेशन में चार्ल्स डार्विन ही पहुंचे और ना ये साइंटिस्ट पहुंचे थे, ये दोनों ही नहीं पहुंचे और उनका पेपर प्रेजेंट हो गया, लेकिन उस प्रेजेंटेशन में चार्ल्स डार्विन को ज्यादा क्रेडिट मिला, ज्यादा सराहा गया, इसके ऊपर भी हमने चर्चा करी थी। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 11, मैक्सिमम बच्चे करेक्ट आंसर के साथ हैं, अल्फ्रेड रसल वॉलेस, वेरी गुड, अल्फ्रेड रसल वॉलेस, इन्होंने मलय आर्चिपिलागो में काफी काम किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन शोइंग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? होमोलॉगस ऑर्गन, इनमें से कौन से होमोलॉगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं? ये प्रश्न भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके आने की पूरी संभावना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखिए, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखिए और एनालाइज करने की कोशिश करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन शोइंग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? इनमें कौन से सेट ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन हैं जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं? क्वेश्चन नंबर 12, एंड देयर कम्स द राइट आंसर। सबसे पहले बहुत से बच्चों ने आंसर, इतने बच्चों ने आंसर किया, नाम सबके ऊपर चले गए, मैं देख नहीं पा रहा हूं, अब तो फ्लड चल रहा है ऑप्शंस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन, पहले तो ढूंढ लीजिए होमोलॉगस ऑर्गन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ क्यूकरबीटा, ये होमोलॉगस ऑर्गन हैं, ठीक है। फोर लिंब ऑफ हॉर्स एंड विंग ऑफ इंसेक्ट, ये होमोलॉगस ऑर्गन ही नहीं है। आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ ह्यूमन, ये भी होमोलॉगस नहीं है, एनालॉगस है। फ्लिपर ऑफ वेल एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, बात तो एक ही हो गई, दोनों काम सेम ही कर रहे हैं, तो इनमें तो कुछ चर्चा करना ही नहीं है, दोनों ही मैमल हैं। अब हमारे हाथ और मंकी के हाथ, बात में फर्क क्या है, समझ में आई बात? तो थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंडिल ऑफ क्यूकरबीटा, यानी कि जो होमोलॉगस है वही डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है, जो होमोलॉगस है ही नहीं वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कैसे शो करेगा? बड़ी सिंपल तरीके से क्वेश्चन को यहां डील किया गया है, समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट, हमारी कंट्री में फॉरेस्ट का को कितना परसेंटेज लैंड फॉर्म में देखा जाता है, कितने परसेंट एरिया में हमारे कंट्री में फॉरेस्ट बचे हुए हैं? बच्चों आपको जानकर के हैरानी होगी कि हमारे यहाँ फॉरेस्ट रेस्टोरेशन का भी काम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, हालांकि और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट स्टिल रेस्टोरेशन वर्क इज गोइंग ऑन। फटाफट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 13, जितनी तेजी से आप आंसर करेंगे उतनी तेजी से मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13, शहर ने सबसे पहले आंसर किया लेकिन आंसर करेक्ट नहीं है, मनाली ने करेक्ट आंसर किया है, 22% ऑफ द लैंड एरिया, है ना, 21 point something, तो 22 के हिसाब से हम बोल सकते हैं, हालांकि इसको 33% होना चाहिए, 2009 की रिपोर्ट है। अ लार्ज परसिस्टेंट कॉटिलिडन इन द एम्ब्रियो ऑफ वीट ग्रेन इज कॉल्ड, वीट ग्रेन के एम्ब्रियो में लार्ज परसिस्टेंट कॉटिलिडन को किस नाम से जाना जाता है? लार्ज परसिस्टेंट कॉटिलिडन इन द एम्ब्रियो ऑफ द वीट ग्रेन इज कॉल्ड, ये प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना काफी अधिक है, क्योंकि इसको बार बार पूछा गया है। एम्ब्रियो का जो जिक्र है मोनोकॉट के केस में ज्यादा किया जाता है, क्योंकि डाइकॉट आप डिटेल में पढ़ते हैं, मोनोकॉट का कम पढ़ते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है, सिंपल सिंगल ने सबसे पहले आंसर करने की कोशिश करी, लेकिन आंसर करेक्ट भी तो होना चाहिए। परसिस्टेंट कॉटिलिडन, कॉटिलिडन को क्या कहते हैं? कॉटिलिडन को कहते हैं स्कूटेलम,
वेरी गुड, स्कूटेलम कहा जाता है कॉटिलिडन को, ये देख लीजिए, कॉटिलिडन इज अ स्कूटेलम। विच और वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस इनमें से कौन सा है, ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। हेटेरोस्पोरस फर्न को देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट। हेटेरोस्पोरस यानी कि मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर, दो तरह के स्पोर बनाते हैं। इसी मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर के बनाने के प्रोसेस की वजह से सीडिंग हैबिटाई और जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले सीड्स का प्रोडक्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15 का बी एब्सोल्युटली करेक्ट, सेल्विनिया, सेल्विनिया एक्वाटिक फर्न है, सेलाजिनेला सेल्विनिया, ये हेटेरोस्पोरस होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको याद है तो समझ लीजिए आपके चार मार्क्स पक्के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए फ्रैगमेंट को किस केमिकल को यूज करके देखा जाता है। सिंपल ने सबसे पहले आंसर किया और फिर उसके बाद तो सब ने आंसर करेक्ट ही कर दिया, इथीडियम ब्रोमाइड। वेरी गुड, इट इज इथीडियम ब्रोमाइड। ठीक है, ऑरेंज कलर का दिखाई देता है यूवी रेडिएशन के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन पॉल्यूटेड वाटर, इनमें से कौन सी चीज पॉल्यूटेड वाटर में नहीं पाई जाती, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो अनकॉमन क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी काफी महत्व रखते हैं, और वो क्वेश्चन जिनको बार बार पूछा गया है वो भी काफी महत्व रखते हैं। दो तरह के क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा तो एनटीए के पेपर में बहुत से जनरल क्वेश्चन आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। मैं ये नहीं कहता उनको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई हाइड्रिला वाटर को क्लीन कर देता है। अगर पॉल्यूटेड वाटर है तो क्लीन कर देता है, एब्सेंट नहीं होता। वाटर हायसिन पॉल्यूटेड वाटर है तो खूब तेजी के साथ ग्रो करता है, ब्लू ग्रीन एल्गे भी ग्रो करता है, लेकिन लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई हमेशा क्लीन वाटर में ही पाए जाते हैं। स्टोन फ्लाई के लार्वा क्लीन वाटर में पाए जाते हैं एंड दे आर गुड सोर्स ऑफ, यानी कि पॉल्यूशन इंडिकेटर। अगर ये नहीं है तो पॉल्यूशन है, और अगर ये है तो पॉल्यूशन नहीं है। इसी तरह से डेस्मिट भी क्लीन वाटर में होते हैं, डायटम्स और डेस्मिट्स का नाम सुना हुआ है आपने, डेस्मिट्स भी क्लीन वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इन डाइकॉट स्टेम द जाइलम इज, डाइकॉट स्टेम में जाइलम कैसा होता है, तो स्टेम में जाइलम कैसा होता है और रूट में जाइलम कैसा होता है, ये आपको समझना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको देखें। डाइकॉट स्टेम हो या मोनोकॉट स्टेम हो, ज्यादातर एक ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्योंकि जो रूट का स्ट्रक्चर है वो रूट के लिए यूनिक है और जो स्टेम का स्ट्रक्चर है वो स्टेम के लिए यूनिक है। दैट इज वेरी गुड, दैट इज एंडार्च, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज एंडार्च। स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, स्पिंडल फाइबर इनमें से कौन से सब्सटेंस से बने होते हैं, व्हाट इज द स्पिंडल फाइबर मेड अप ऑफ। एंडार्च है बच्चों, एक्सार्च नहीं है, एंडार्च है, क्योंकि स्टेम की बात करी गई है, रूट की बात में ऑपोजिट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, लेट मी सी हु आंसर्स दिस क्वेश्चन फर्स्ट। जाइलम और फ्लोएम का ओरिएंटेशन जरूर देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सिंपल ने सबसे पहले आंसर किया, सरिता ने आंसर कर दिया, फातिमा ने आंसर किया है, देवकी ने आंसर कर दिया है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत तेजी के साथ आंसर हो रहे हैं भाई। प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, प्रोटीन का नाम भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने होते हैं ये सारे के सारे, ध्यान रखिएगा। सो दे आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड ट्यूब्यूलिन, ये देखिए यहां पर इसका जिक्र भी किया गया है, ट्यूब्यूलिन के डाइमर्स होते हैं ट्यूब्यूलिन के। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सॉल्युबल, रिलेटिवली स्मॉल एंड हैविंग अ फोल्डेड कॉम्पैक्ट शेप, कौन सा आरएनए मॉलिक्यूल फोल्डेड कॉम्पैक्ट शेप में होता है, रिलेटिवली स्मॉल होता है, सॉल्युबल भी होता है, विच वन ऑफ इट। ईशा, वंडरफुल, वेरी गुड। तहसीन, दीपक, हनीफ, आपने गलत आंसर दिया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है, सिंपल ने आंसर करने की कोशिश करी, एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज टीआरएनए, टीआरएनए, सिंपल बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, टीआरएनए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर बोल्टिंग इन बीट, बोल्टिंग हार्मोन किसको कहते हैं, बोल्टिंग में काम आता है, बोल्टिंग प्रोसेस का मतलब है एकदम से इलोंगेशन होना नोड इंटरनोड का, इंटरनोडल एरिया जो ज्यादा इलोंगेट हो जाता है वो किसकी वजह से होता है, बोल्टिंग प्रोसेस। बीट तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया, बीट रूट है ना, बीटा वल्गैरिस, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया। इनफैक्ट बोल्टिंग हार्मोन किसको कहते हैं, वही है आंसर। व्हाट इज द बोल्टिंग हार्मोन, दैट इटसेल्फ इज द आंसर, ठीक है, बोल्टिंग हार्मोन, दैट इटसेल्फ इज द आंसर। रितीश ने सबसे पहले आंसर किया, बोल्टिंग हार्मोन जिबरेलिन को कहते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। अंगूर के गुच्छे बड़े हो जाते हैं क्योंकि ये इंटरनोड को बड़ा कर देता है, अंगूर के गुच्छे, अंगूर आता है जो, है ना, तो अंगूर के गुच्छों में अगर डाला जाए जिबरेलिन तो उनके गुच्छे बड़े बड़े साइज के हो जाते हैं। वेरी गुड, प्लांट हार्मोन के बारे में भी आपको अच्छी इंफॉर्मेशन है, GA1, GA2, GA3 एक्सेट्रा सो ऑन। अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 5 अमीनो एसिड इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोटिक सेल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द करेक्ट पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड कौन सी करेक्ट चेन है उसको देख करके आपको बताना है। 5 अमीनो एसिड की चेन में सबसे करेक्ट चेन कौन सी है। पॉलीपेप्टाइड ऑफ 5 अमीनो एसिड इज सिंथेसाइज ड्यूरिंग प्रोटीन यूकैरियोटिक सेल में बन रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, तो कौन सा चेन यहां पर बनेगी। क्वेश्चन नंबर 22, विच चेन विल बी फॉर्म्ड, सिंपल ने फिर आंसर कर दिया, वेरी गुड, सिंपल ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया, और सिर्फ सिंपल नहीं अब तक किया, अर्पिता ने भी करेक्ट आंसर कर दिया, अनमोल ने भी करेक्ट आंसर कर दिया, भाई क्या बात है, वेल डन, वेल डन बच्चों। बच्चों क्लू बड़ा सिंपल है, रितीश ने भी आंसर कर दिया, मिथियोनिन, मिथियोनिन AUG स्टार्ट कोडॉन है ना, और मिथियोनिन इज द फर्स्ट अमीनो एसिड विच इज देयर इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इन यूकैरियोटिक सेल, स्टार्टिंग ही होती है मिथियोनिन से, तो जाहिर सी बात है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सिंपल सी बात है, AUG और GUG कोड फॉर अमीनो एसिड मिथियोनिन, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेल डन, बहुत तेजी के साथ आंसर हो रहे हैं। व्हाट इज ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया, ये प्रश्न अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसके ऑप्शंस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, ऐसे प्रश्नों के आने की संभावना बहुत अधिक रहती है जहां पर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आपको इधर से उधर भटका सकता है। सो व्हाट इज ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया, देखिए एनालाइज करिए, रियलाइज करिए। क्वेश्चन नंबर 23, साइनोबैक्टीरिया के लिए कही गई बात इनमें से कौन सी सही है, साइनोबैक्टीरिया के लिए कही गई बात इनमें से कौन सी सही है। चलिए आंसर तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन फरहीन ने सबसे पहले आंसर किया, राइट, फरहीन आपका नाम ऊपर चला गया, बट आई थिंक फरहीन ने ही सबसे पहले करेक्ट आंसर किया है। अभी भी बच्चे भटक रहे हैं, देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट होते हुए भी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तुषार, वेरी गुड, देखिए बच्चे, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे, ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, ऑक्सीजेनिक होता है इनका प्रोसेस विथ नाइट्रोजिनेज, क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग की, फिक्सेशन की क्षमता भी होती है ना, वेरी गुड, सो नाइट्रोजिनेज के साथ, ऑक्सीजेनिक विथ नाइट्रोजिनेज, ठीक है, नहीं तुषार आपने डी ऑप्शन किया, डी ऑप्शन में नाइट्रोजिनेज नहीं दिया हुआ है, नाइट्रोजिनेज सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑक्सीजेनिक विथ नाइट्रोजिनेज, है ना, ऑप्शन को एनालाइज करना भी जरूरी होता है, वेरी गुड। सो जिन बच्चों ने सी आंसर किया है, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेल डन बच्चों, हेटरोसिस्ट होता है जिनमें नाइट्रोजिनेज की आवश्यकता पड़ती है। हाउ मेनी पिगमेंट मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल फोटो सिस्टम, कितने पिगमेंट मॉलिक्यूल एक सिंगल फोटो सिस्टम को बनाते हैं, इस पर हम ऑलरेडी सेशंस में चर्चा कर चुके हैं। ईशा, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, मैंने ऑप्शन नहीं देखा था इसलिए मैंने कहा कि नहीं, कुछ बच्चे जो गलत आंसर के साथ है, मैंने कहा वो भी सही है, लेकिन आंसर देख लिया आपने तो आपको समझ में आ गई। भाई सीधी सी बात है, आंसर तो आंसर ही होता है, वो आप देखो या ना देखो, तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, आपको देख करके ही करना है हमेशा। ऑप्शंस देख लीजिए यहां पर, भूपेंद्र, वेरी गुड, और सारे के सारे बच्चे करेक्ट हैं, ज्यादातर सारे बच्चे करेक्ट हैं, 250 से 400, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन,
राइबोसोमल आरएनए जो आरआरएनए कहलाता है वो कहां पर एक्टिवली सिंथेसाइज होता है, किस इलाके में वो बन रहा होता है, वो भी एक्टिव सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन लाइसोसोम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म या राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 25, फटाफट देखें आप सब आंसर। देयर यू गो, काफी तेजी के साथ आंसर हो रहे हैं बच्चों आपके द्वारा, वेरी गुड। मैंने कहा थोड़ा नजदीक से देख लेते हैं, वो दूर से समझ में कम आता कई बार, नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, फटाफट आंसर करिए, सारे के सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। तो राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, राइबोसोमल आरएनए एक्टिवली कहां सिंथेसाइज होता है ये आपको जानकारी रखनी है। बच्चों एक और सेशन आज होना है 3 बजे आफ्टरनून में पर्ल कल्चर के ऊपर, यानी कि उस सेशन को देख करके आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि किस तरह मोती जैसे चमकते रहना है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, दिस सेशन इज मेनली फॉर नीट 2021 और 2022 के बच्चे, क्योंकि 2020 का कल है एग्जाम और मैं नहीं चाहता कि आप अपने एग्जामिनेशन के टाइम पे क्रूशियल वक्त को हमारे किसी ऐसे सेशन पे जिसका डायरेक्ट रोल नहीं है। एक्वाकल्चर है आपके सिलेबस का पार्ट है, एक्वाकल्चर आप पढ़ते हैं राइट, लेकिन एक्वाकल्चर में पर्ल कल्चर के बारे में डिटेल क्वेश्चन नहीं आते हैं नीट में, तो ये आपके लिए ऑप्शनल है। नीट 2020 के बच्चे चाहे तो आ सकते हैं, और लेकिन जो सीरियसली कल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ना आए उस सेशन में। और शाम को 7 बजे वाला सेशन जरूर देखिए, क्योंकि शाम 7 बजे 45 लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑन जूलॉजी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 3 बजे दोपहर का सेशन आपके लिए 2020 के लिए नहीं है, आप कल एग्जाम देने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख सकते हैं। राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर इसका सिंथेसिस होता है। अगला प्रश्न आ चुका है, इन क्रेब्स साइकिल द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सैलोसक्सिनेट इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट इन्वॉल्व रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन होता है? अल्फा, दिस इज नॉट ए बट दिस इज अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, ए या अल्फा इस तरह से भी कहीं कहीं आपको दिखाई दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, हैव अ लुक ऑल ऑफ यू। वेरी गुड, हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 26 ऑल ऑफ यू, एब्सोल्यूटली करेक्ट। सो दैट इज नोन एज डी कार्बो ऑक्साइलेशन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनेट को अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्जन करना। During R recombinant DNA technology, which of the following enzyme is used for cleaving the DNA molecule? DNA molecule को cleave करने के लिए या cut करने के लिए recombinant DNA technology में कौन से enzyme को use किया जाता है? Which enzyme is used for the cleaving the DNA molecule? Which enzyme is used for cleaving the DNA molecule? Question number 27, बच्चों फटाफट देखें आंसर, जरा fast करेंगे। टाइम आपका बहुत प्रेशियस है, आई वुड लाइक टू टेक यू क्विकली थ्रू इट। वेरी गुड, सिंपल ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम दे दिया है, बिल्कुल सही बात है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फाइलोड इज एन एडप्टेशन ऑफ, फाइलोड जो होता है वो किस तरह का एडप्टेशन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइलोड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज, फाइलोड, क्लैडोड और फाइलोक्लेड, इन तीनों के नाम आप देख लीजिएगा। फाइलोड, क्लैडोड और फाइलोक्लेड, इन तीनों को आप जरूर देख लीजिएगा। इनमें से जो फाइलोड है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है, लीफ पेटियोल का मॉडिफिकेशन है इनफैक्ट, है ना। ऑस्ट्रेलियन एकासिया यानी कि एकासिया ऑरिकुली फॉर्मिस में देखने को मिलता है, एंड दैट रिप्रेजेंट जीरोफाइटिक एडप्टेशन एनवायरनमेंट, जीरोफाइटिक एनवायरनमेंट का एडप्टेशन है। क्यों जीरोफाइटिक? क्योंकि जो लीफ ब्लेड या लैमिना होता है वहां पर काफी सारे स्टोमाटा होते हैं, तो उन स्टोमाटा को रिड्यूस करने के लिए ऐसा कार्यक्रम किया गया कि लीफ का जो पेटियोल है वही ब्रॉड हो जाता है। वेरी गुड, सो ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। नाउ गिवन बिलो, बिलो डायग्राम इज गिवन शोइंग अ टेक्निक फॉर कल्चर ऑफ प्लांट, दिस टेक्निक हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर जो आप देख पा रहे हैं, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं बना हुआ है, ये एक तरह की पर्टिकुलर टेक्निक है प्लांट को ग्रो कराने की। इस टेक्निक को कौन से प्रकार के प्लांट को ग्रो कराने में यूज किया जाता है, विच टाइप ऑफ प्लांट्स इट इज यूटिलाइज्ड फॉर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
इसके ऊपर क्वेश्चंस आने की संभावना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन कभी ज्यादा पूछे नहीं गए हैं. ये वैसे हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक है. दिस इज हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक, यानी कि सॉइल लेस कंडीशन में प्लांट को ग्रो कराना. और इसमें कौन कौन से प्लांट ग्रो कराए जाते हैं, तो आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, द सी ऑप्शन, क्यूकम्बर, लेट्यूस एंड टोमेटो. वेरी गुड, क्यूकम्बर, लेट्यूस, टोमेटो. ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड, जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है. Organisms that can tolerate and thrive in a wide range of temperature are called. ठीक है, very good. Let me see the answer. तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, आज दोपहर 3 बजे एक सेशन मैंने रखा हुआ है, और ये सेशन मेनली 2021 और 2022 वाले बच्चों के लिए रखा गया है, जिसमें मैं पर्ल कल्चर के बारे में बताऊंगा. नीट 2020 वाले बच्चे बिल्कुल ना आए, क्योंकि कल है आपका एग्जाम. ठीक है, तो आप एग्जाम देने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, राइट. और अगर आपको लगता है कि ये सेशन मुझे आपके एग्जामिनेशन के बाद लेना चाहिए, तो आप जरूर कमेंट में लिख सकते हैं अंडर पर्ल कल्चर. ठीक है, वैसे तो आई थिंक इट, यू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि भाई 2020 वाले बच्चे इसको बाद में देख लेंगे, 20, क्योंकि वो सेशन है इतना इंपॉर्टेंट कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी पर्ल कल्चर के बारे में. इनफैक्ट आपको ग्राफ्टिंग और ऑपरेशन से रिलेटेड चीजें भी समझ में आ जाएंगी कि लोअर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से ग्राफ्टिंग करी जा सकती है और किस तरह से ऑपरेशनल प्रोसीजर किए जाते हैं. वेरी गुड, यूरीथर्मल. ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स 5 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, अभिलाष, आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू वेस्ट योर टाइम, क्योंकि उन बच्चों के साथ आप गलत ना करने की कोशिश करें जो बच्चे ऑलरेडी अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले हैं. ठीक है, और कई बार तो बच्चे भी नहीं होते हैं सेशंस में, है ना. तो हर तरह के आपको एलिमेंट मिल जाएंगे हर जगह पर, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. एंड एवरीवन इज फ्री टू से व्हाटएवर ही और शी वांट्स, क्योंकि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है. गलत बात अगर ना कहें, बाकी आप अपने व्यूज रख सकते हैं हमेशा, यू आर फ्री टू डू सो. वेरी गुड, 31st क्वेश्चन. इसमें कॉम्प्लेक्स 5 जो है वो है एटीपी सिंथेज. एब्सोल्युटली करेक्ट, एटीपी सिंथेज. क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैक्टीरिया वर यूज्ड इन ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट. सो सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसके आने की संभावना काफी ज्यादा है, जो आपको कंफ्यूज कर देगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट 1928. अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट के बारे में याद हो तो आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैक्टीरिया वर यूज्ड इन ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट. लेट मी हैव अ लुक, 32 क्वेश्चन का आंसर. सबसे पहले कौन करेक्ट दे सकता है, भाई क्या बात है, सिंपल ने फिर करेक्ट आंसर दे दिया, सिंपली ऑसम. तो करेक्ट आंसर सिंपल ने दिया, दिनेश ने भी दे दिया. स्ट्रेप्टोकोकस R2 एंड S3 टाइप बैक्टीरिया वर यूज्ड. ध्यान रहे, Which one is a cofactor of carboxypeptidase? Carboxypeptidase में कौन सा element cofactor के रूप में काम करता है? Which of the element is a cofactor of carboxypeptidase? ध्यान दीजिए, carboxypeptidase का cofactor कौन सा है? Which one of the following? आज शाम को 7 बजे zoology के question भी कराऊंगा, final set of 45 questions. जो मेरे अपने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, मुझे कहीं से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं. दोज आर माई सेल्फ आइडेंटिफाइड क्वेश्चन, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने चूज किए, ताकि आपको फाइनल स्टेज में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में आइडिया लग जाए और आप बखूबी इसको कर लें. 33B जिंक, एब्सोल्युटली करेक्ट, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में जिंक होता है कोफैक्टर. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द पायोनियर कम्युनिटी इन हाइड्रार्च सक्सेशन. हाइड्रार्च सक्सेशन में इनमें से कौन सा पायोनियर कम्युनिटी के रूप में दिखाई देता है?
ऑप्शंस को देख लीजिए, सारे के सारे ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34। हाइड्रार्च सक्सेशन, जेरार्च सक्सेशन, इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, ध्यान दीजिएगा। पायोनियर कम्युनिटी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, इनके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। और जो सेरल स्टेजेस हैं, चाहे वो हाइड्रार्च सक्सेशन हो चाहे जेरार्च सक्सेशन हो, जो सेरल स्टेजेस हैं, ग्रेजुअल स्टेजेस, इनको जरूर देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में डायग्राम के थ्रू बना हुआ है, तो डायग्रामेटिक वे में देखना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर, फाइटोप्लैंक्टन सबसे पहले दिखाई देते हैं, पायोनियर कम्युनिटी। द एग्रेट्स ऑलवेज फोरेज क्लोज टू वेयर द कैटल आर ग्रेजिंग। कैटल, गाय भैंस के साथ एक व्हाइट कलर की चिड़िया उनके साथ साथ मूव करती रहती है, ग्रेज करती, जहां पर कैटल ग्रेज करते वहीं आसपास रहती है। इनका इंटरेक्शन क्या कहा जाता है, यानी कि उस चिड़िया का कैटल के साथ जो इंटरेक्शन है वो किस तरह का इंटरेक्शन है, ये भी अपने आप में बड़ा सिंपल और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन प्लोवर बर्ड का एग्जाम्पल, जो क्रोकोडाइल के दांतों से लीच निकालती रहती है, वो भी समझना आपके लिए आवश्यक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड दिस कॉमन एग्रेट के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। दिस इज नोन एज कॉमेंसलिज्म, एब्सोल्युटली करेक्ट। अभिप्सा, थैंक यू, आपने काफी अच्छे तरीके से आंसर दिया ताकि वो बिल्कुल साफ दिखाई दे जाए मुझे। इट इज कॉमेंसलिज्म, वेरी गुड। द ग्रीन एल्गा यूज्ड बाय टी डब्ल्यू इंगलमैन इन हिज प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, इन्होंने प्रिज्म एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक तरह का एल्गे यूज किया था वाटर के अंदर, कि प्रिज्म से लाइट की स्प्लिटिंग करी और लाइट के अलग अलग कलर्स के आसपास ज्यादा एल्गा कौन सा ग्रो कर रहा था उसको देख करके पता चला। प्रिज्म एक्सपेरिमेंट ने ये बात प्रूव कर दी कि फोटोसिंथेसिस जो है किस लाइट में ज्यादा देखने को मिलती है, यानी कि रेड और ब्लू लाइट सेग्रीगेट हो गए, रेड और ब्लू लाइट, समझ में आएगा। तो वो कौन सा एग्जाम्पल था जिसको इन्होंने लिया था। चलिए, आपके मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं, आप लोग करेक्ट नहीं है। शिवांगी, शिवांगी वेरी गुड। क्लैडोफोरा, अमन ने भी करेक्ट आंसर कर दिया। द हाइप ने भी करेक्ट आंसर कर दिया, क्लैडोफोरा लिया था इन्होंने, क्लैडोफोरा। एंथेरोजॉइड ऑफ बोथ फ्यूनेरिया एंड टेरिस वर रिलीज टुगेदर नियर द आर्केगोनिया ऑफ टेरिस, ओनली इट्स स्पर्म एंटर द आर्केगोनिया एज। फ्यूनेरिया और टेरिस दोनों के एंथेरोजॉइड को टेरिस के आर्केगोनिया के पास छोड़ दिया गया और सिर्फ टेरिस के ही स्पर्म उसके आर्केगोनिया में एंटर किए, क्योंकि क्यों किया ये आपको बताना है। फ्यूनेरिया के जो एंथेरोजॉइड है वो टेरिस के आर्केगोनियम में नहीं जा पाए, ऐसा क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीजन। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट वाज द रीजन। ये सारे के सारे क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। अभय ने सबसे पहले आंसर किया, करेक्ट आंसर किया, टेरिस आर्केगोनिया रिलीज केमिकल टू अट्रैक्ट इट्स स्पर्म्स, वेरी गुड। गाइनोशिया मे हैव मोर देन वन पिस्टिल, सच अ कंडीशन इज कॉल्ड। अगर एक से अधिक पिस्टिल से गाइनोशियम बना हुआ है, ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल्ड। इफ द गाइनोशियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन पिस्टिल, सच अ कंडीशन इज नोन एज, क्या नोन किया जाता है। चलिए फटाफट करते हैं, द गाइनोशियम मे हैव मोर देन वन पिस्टिल, सच अ कंडीशन इज कॉल्ड, ऐसे कंडीशन को क्या कहा जाता है। 38 क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, फटाफट आंसर करें, मैं नजर बनाए हुए हूं। सिंपल ने फिर सबसे पहले करेक्ट आंसर कर दिया, मल्टी कार्पलरी, एब्सोल्युटली करेक्ट, मल्टी कार्पलरी। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहां पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें से स्टेटमेंट कौन सा गलत है ये देखना है। तो सिर्फ यही नहीं, यहाँ कौन कौन से सही हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहां पर काफी चीजों के बारे में एनालिसिस है और उनको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं आप उस क्वेश्चन को पढ़ें उसका आंसर याद करें, उसके जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को भी पढ़ें, क्योंकि उसमें से एक ही गलत है बाकी सब सही है, ठीक है, एक ही गलत है बाकी सब सही है। एंड द करेक्ट आंसर इज यस, पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाई फ्लोरे, ये गलत स्टेटमेंट है। पेनिसिलिन को एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ढूंढा था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। नाउ विच वन इज अ पॉलीमर, इनमें से कौन सा पॉलीमर है, विच वन इज अ पॉलीमर, सुक्रोज ग्लाइकोजन फ्रुक्टोज लैक्टोज, इनमें से कौन सा पॉलीमर है, फटाफट देखें और आंसर करें, विच वन इज पॉलीमर, विच वन अमंग दीज इज अ पॉलीमर।
नहीं, मल्टीपल पिस्टिल है तो सिनकार्पस या एपोकार्पस तो उसके ज्वाइनिंग के साथ ही सांप बना होता है। सिनकार्पस या एपोकार्पस तो उसकी ज्वाइनिंग के साथ है, यानी कि ओवरी अगर ज्वाइंड है तो वो सिनकार्पस, ओवरी सेपरेट है ऊपर ज्वाइंड है तो वो एपोकार्पस। इसके बारे में भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, पिछले प्रश्न की बात कर रहा हूं। दिस क्वेश्चन नंबर 40, इसको देखिए, विच वन इज अ पॉलीमर, एंड द करेक्ट आंसर इज ग्लाइकोजन। एब्सोल्युटली करेक्ट, ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर, वेरी गुड। फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स आर लिंक्ड टू, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और जियोट्रॉपिक मूवमेंट कौन से हार्मोन के साथ, कौन से फाइटो हार्मोन के साथ लिंक्ड है? यहां पर जो अलग अलग फाइटो हार्मोन दिए हुए हैं उनमें से कौन से फाइटो हार्मोन के साथ जुड़ा हुआ है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और जियोट्रॉपिक मूवमेंट? फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक मूवमेंट आर लिंक्ड टू विच वन ऑफ इट, किसके साथ लिंक्ड है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत तेजी के साथ आंसर हो रहे हैं। स्मृति ने सबसे पहले आंसर किया है, स्मृति मधुलिका, राइट, सबसे पहले आंसर किया है, वेरी गुड। मधुमिता, करेक्ट। नाम इतनी तेजी के साथ आप लोगों के ऊपर जा रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है। ऑक्सिन, इसने करेक्ट आंसर किया, प्रगति है ना, प्रगति ने भी करेक्ट आंसर किया। ऑक्सिन, ऑक्सिन इज द वन जो फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक मूवमेंट को देखता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क बाय क्लीविंग, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस इलाके को क्लीव करता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट तो करता है, डीएनए को क्लीव करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां पर क्लीविंग करता है, विच एरिया को क्लीव करता है? इस प्रश्न के आने की संभावना काफी अधिक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क बाय क्लीविंग विच ऑफ इट, इसको क्लीव करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? ध्यान दीजिए, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? बिल्कुल बच्चे 45 क्वेश्चन ही करेंगे, 42 में बच्चे कंफ्यूज हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बच्चों एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्यों ब्रेक करेगा? उसको तो सिर्फ ब्रेक करना है पीछे का बैकबोन, तो दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज को ब्रेक करेगा। समझ गए बच्चे? जिनको आंसर नहीं पता है वो इस आंसर को समझ लें, बखूबी समझ लें। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज को ब्रेक करता है। न्यू सेलर एम्ब्रियो कैसा होता है? न्यू सेलर एम्ब्रियो इज व्हाट टाइप? न्यू सेलर एम्ब्रियो किस टाइप का एम्ब्रियो है? न्यू सेलस से बनने वाला एम्ब्रियो न्यू सेलर एम्ब्रियो कहलाता है। एपोमिक्सिस, पॉली एम्ब्रियोनी में आपने इन चीजों को मेरे साथ बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो न्यू सेलर एम्ब्रियो, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग सेइंग अबाउट न्यू सेलर एम्ब्रियो? न्यू सेलर एम्ब्रियो किस टाइप का एम्ब्रियो होता है? क्वेश्चन नंबर 43 आ चुका है, फटाफट देखें इस प्रश्न को। न्यू सेलर एम्ब्रियो इज, शिवांगी ने सबसे पहले करेक्ट आंसर किया, एपोमिक्टिक है, क्योंकि एपोमिक्सिस प्रोसेस से रिलेटेड है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, विदाउट फर्टिलाइजेशन है और डिप्लॉइड होगा, क्योंकि न्यूसेलस का जो टिश्यू है वो डिप्लॉइड टिश्यू है। सो न्यूसेलर एम्ब्रियो इज एपोमिक्टिक डिप्लॉइड, ध्यान दीजिए, एपोमिक्टिक डिप्लॉइड कंडीशन में ही होगा। अगला प्रश्न, इफ टू जीन्स आर हैविंग द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन लेस देन 50%, देन द प्रोजेनी ऑफ F2 जनरेशन विल शो। This is also very important question. ये बहुत important प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। If the two genes are having percentage of recombination less than 50%, recombination अगर 50% से नीचे आ रहा है, then the progeny of F2 generation will show. क्या show करेगी progeny of F2 generation? अगर recombination percentage 50% से नीचे है, then what will it show? If the two genes are having percentage of recombination less than 50%, what will it show? काफी बच्चे दिमाग तो यूज कर रहे हैं, नो डाउट। अभीप्सा ने करेक्ट आंसर दिया है, हायर नंबर ऑफ द पेरेंटल टाइप। अगर आप थॉमस हंट मॉर्गन का क्रॉस ए देखें और क्रॉस बी देखें, उसमें आपने देखा है कि पेरेंटल टाइप जो है ज्यादा बन रहे हैं, यानी कि परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन अगर 50% से कम है, इसका मतलब, यानी कि दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन 50% से लेस है, तो इसका मतलब है कि पेरेंटल टाइप ज्यादा हैं, हायर नंबर ऑफ पेरेंटल टाइप हैं। सिंपल सी बात है, इफ द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज लेस देन 50%, देन द जीन्स आर सेट टू बी लिंक्ड। इसका मतलब है लिंक्ड जीन है, और लिंक्ड जीन में पेरेंटल टाइप इन जनरल ज्यादा ही होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, समटाइम्स
चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले इसको मार्क कर दूं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। Sometimes the change in allelic frequency is so different in a new sample of the population that they become a different species. Allelic frequency itna different ho jata. Original drifted population created a different population. This is called original drifted population. Jo population drift ho karke aayi hai, aisi population ko kya kehte hain? Is phenomena ko kya kehte hain? अभीपशा ने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है स्टार्टिंग में ही, नंदिनी ने भी करेक्ट आंसर दिया, रेवती ने भी करेक्ट आंसर दिया, इनफैक्ट सारे बच्चे ही करेक्ट आंसर दे रहे हैं, तो सबको पता है फाउंडर इफेक्ट के बारे में, सो ऑल ऑफ यू नो अबाउट द फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। फाउंडर इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट, ब्रांचिंग डिसेंट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डिसरप्टिव पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ये सारी की सारी जो थ्योरीज हैं इनको जरूर देख लीजिएगा इवोल्यूशन चैप्टर में, ठीक है। इसी के साथ हमारे 45 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बॉटनी में हमने काफी सारे क्वेश्चन देखे, अब शाम 7 बजे जुआलॉजी के फाइनल सेट ऑफ 45 क्वेश्चन जिनके आने की संभावना बहुत अधिक है कल के एग्जामिनेशन में, वो सेशन आपके साथ रखूंगा। दोपहर 3 बजे पर्ल कल्चर के ऊपर एक सेशन रखा है जिसको नीट 2020 वाले बच्चे बिल्कुल ना देखें, 2021 वाले देखें, 2022 वाले देखें, 2020 के बच्चे कल एग्जाम देने के बाद उस सेशन को देखें, क्योंकि वो सेशन देखना आपके लिए बड़े काम का है, तो इसलिए ये चीज ध्यान रहे, ठीक है। ये रहे हमारे स्पेशल क्लासेस का स्केड्यूल। स्पेशल क्लासेस में आप अटेंड करने से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप में किस तरह से एक्सेस करना है, कैसे क्लासेस चलती है, इसके बारे में आइडिया लग जाता है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें और स्पेशल क्लासेस को व्यू करें। हमारी प्रीवियस स्पेशल क्लासेस भी दिख जाएंगी, नई स्पेशल क्लासेस जो आ रही हैं वो भी दिखेंगी, लाइव भी आप इनमें अटेंड कर सकते हैं शामिल। ये रहा स्पेशल क्लासेस का टाइम टेबल, तो आपको हमारी प्रोफाइल में इस टाइम पर स्पेशल क्लासेस दिख जाती है। इसके अलावा एक और क्विज फीचर आ चुका है अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू, तो उस क्विज फीचर को भी एक्सेस करें और अपनी तैयारी को और उम्दा करें, ठीक है। ये रहा हमारे क्लासेस का स्केड्यूल। मंडे टू वेडनेसडे क्लास 11th, थर्सडे टू सैटरडे क्लास 12th, दिस वीक इज एक्सेप्शन फॉर नीट 2020। शाम 7 बजे जुआलॉजी के 45 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कल के एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से बड़े इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें, गो टू ब्राउजर livedaily.me/chat और जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल के साथ। एक और बेहतरीन फीचर livedaily.me/neet, इसको जैसे ही टाइप करेंगे ये विंडो आ जाएगा और आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स की। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं जो कि कंट्री का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मिलती है आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस, यू कैन इंटरेक्ट विद अस लाइव पोल लीडरबोर्ड, टेस्ट सीरीज एनालिसिस और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन जैसे बेहतरीन फीचर। हमारे ईयर लॉन्ग बैच कोर्सेज ऑलरेडी रनिंग है, तो इन बैचेस के साथ जुड़ें, अपनी तैयारी को और उम्दा करें, ठीक है। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे नीट के प्राइसेज हैं वो हाइक होने वाले हैं, तो जिन बच्चों को ज्वाइन करना है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, तो वो तुरंत के तुरंत जुड़ जाएं। यूज करिए कोड प्रदीप लाइव, यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट बिफोर द प्राइस हाइक हैपेंस। ज्वाइन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, क्योंकि कल नीट एग्जामिनेशन कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद सारे के सारे सेशंस जो मेरे होंगे वो नीट 2021 और 2022 के बच्चों के लिए ही हैं, तो आप लोग आज ही जुड़ें और प्राइस हाइक से पहले जुड़ जाइए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन साथ। यूज करिए कोड प्रदीप लाइव। करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें, प्ले स्टोर पर जाकर के इंस्टॉल करने के बाद प्लस सिलेक्ट करिए, नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करें और फिर ये विंडो आ जाएगा, यहां अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हैं। 9th, 10th, 11th के बच्चे डिटेल लर्निंग के लिए 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ ही जुड़े, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है और इसके साथ जुड़ने से आपको पूरे के पूरे ड्यूरेशन तक जुड़े रहने का मौका मिलेगा। यूज करिए कोड प्रदीप लाइव। एक चीज ध्यान रखिए बच्चे, किसी भी जटिल ऑपरेशन को करने के लिए सर्जन्स की पूरी टीम की आवश्यकता होती है, इसी तरह से नीट के इस ऑपरेशन के लिए आपको पूरे की पूरी टीम की आवश्यकता होगी, एजुकेटर्स की टीम की आवश्यकता होगी, जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में आपको परफेक्ट करेंगे। तो यूज करिए कोड प्रदीप लाइव और हमारी टीम के साथ जुड़िए। अनअकैडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत आवश्यक है,
बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए और हैश नीट लाइव डेली पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिए ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में कंट्री के हर एक बच्चे को पता चल सके। अन अकेडमी नीट अन अकेडमी जेई अन अकेडमी फॉर 9th 10th एंड 11th 12th ऑल आर आवर सिस्टर चैनल टुगेदर लेट्स क्रैक इट। एंड फॉर ज्वाइनिंग विद अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन यूज कोड प्रदीप लाइव यू विल ऑल्सो गेट अ 10% डिस्काउंट और आपको मेरी गाइडेंस में अपनी मंजिल को का सफर तय करने का मौका मिलता है। That's all for now. See you all again 2021 and 2022 aspirant at 3 p.m.